ग्वालियर अंचल में इन दिनों जल संकट गहराया हुआ है, जिससे लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। ऐसे में शहर के लिए एकमात्र पानी सप्लाई का डैम तिगरा इन दिनों बिल्कुल खाली हो चुका है। महज 20 से 25 दिन का पानी बचा है। ऐसे में समय से बारिश नहीं हुई तो पानी को लेकर जिला प्रशासन बारिश होने की बाट जो रहा है और बारिश होने का इंतजार कर रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि इस वर्ष पानी जल्दी खत्म हो गया है, क्योंकि जो पानी मुरैना की चंबल नदी से अमृत योजना से आना था, वो न आने के बाद अमृत योजना का भी पानी यहीं से सप्लाई किया जा रहा है। यही बड़ी वजह है कि इस बार जलस्तर पूरी तरह गिर चुका है और समय रहते बारिश नहीं हुई तो बड़ा जल संकट खड़ा हो सकता है। तो वहीं हमारे संवाददाता मनोज चौबे ने ग्राउंड पर जाकर लोगों से बातचीत की और वहां का हाल बताया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ग्वालियर अंचल में गहराता जल संकट बना हुआ है, परेशानी का सबब। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर खड़े हुए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो जलाशय है, ये तिगरा डैम है। इसी से पूरे ग्वालियर जिले अंचल भर में पानी जाता है और पूरे शहर को यहाँ से पानी की सप्लाई दी जाती है। आप सीधी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, महज 20 से 25 दिन का पानी इसमें मात्र बचा हुआ है। अब इसके बाद अगर बारिश समय से नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जो पानी की परेशानी है वो हाहाकार के रूप में सामने आ सकती है। और जिला प्रशासन की बात करें तो वो केवल मौसम पर आधारित बना हुआ है और बारिश की ओर आंखें देखता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बारिश अगर समय से नहीं होती है तो इसके बाद शहर काफी पानी के लिए हाहाकार मचेगा और पानी की त्राहिमाम हो सकती है। ऐसे में हमारे साथ यहाँ मौजूद लोग हैं, उनसे जानते हैं इस जलाशय में इस बार की बात करें तो पानी काफी नजर कम आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या हर साल इतना ही पानी कम रहता है? हर साल तो नहीं रहता, भरा रहता है, इस साल कम हुआ। पानी की कमी अब कहीं ना कहीं इसमें अत्यधिक दिख रही है, काफी कम पानी बचा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है सर, जो अमृत योजना चंबल से आकर डल रही थी जलालपुर प्लांट पे, वो चंबल में कोई उनका देरी हो जाने में उनने तिगरई से वो लाइन चालू कर दी। अच्छा, ऐसे में अगर बारिश समय से नहीं हो पाती है तो क्या कहेंगे, कितना संकट हो? संकट पूरा संकट ही संकट है सर, जल के लिए परेशानी आ सकती है। वो तो पानी उतना ही रह गया उसमें तो सूख ही जाएगा पूरा। जो लगे हुए गांव हैं वो भी यहाँ से पानी लेते हैं, ऐसे में ग्वालियर के अगर पानी नहीं मिल पाया समय से तो क्या लगता है हाहाकार मचेगा? हाहाकार मचेगा सर, अगर पानी पानी तो जीवन नहीं है सर आदमियों का, आदमी पानी नहीं है सर तो आदमी क्या करेगा? अच्छा, इस बार जो अमृत योजना वहाँ से आनी थी मुरैना से वो नहीं आई है, इसीलिए यहाँ पानी इसीलिए कम है। वहीं पानी किल्लत को लेकर नगर निगम कमिश्नर हर्ष सिंह ने भारत एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए ग्वालियर में पेयजल आपूर्ति के लिए बताया। देखिए, आपको पता ही है कि ग्वालियर में पेयजल आपूर्ति इस समय एक दिन छोड़ के दी जा रही है। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट से हमें ये पत्र प्राप्त हुआ है कि अभी दो दिन छोड़ के उसको किया जाएगा, वो विचाराधीन है। साथ में एक हम लोग पानी लिफ्ट करने की जो पूरा प्लान है उसको वर्कआउट कर लिए हैं और उसका टेंडर लगा रहे हैं, जिससे पेसारी डैम का डेटा स्टोरेज जो है वो लिफ्ट कर पाएंगे। और एक बार लिफ्ट हो गया तो अगले 4 महीनों का भी पानी हमारे पास उपलब्ध होगा। तो लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं, शीघ्र ही हम लोग उसके रिजल्ट प्राप्त होंगे। सर, तिगरा में अगर बात करें तो 20 से 25 दिन का महज पानी बचा है और समय से बारिश नहीं होती है तो फिर किस तरह का पेयजल? तो इसीलिए मैंने बताया कि अभी तो 31 जुलाई तक का पानी हमारे पास है और अगर समय से बारिश नहीं होती तो हम लोग पानी को लिफ्ट करके लाएंगे। सर, चंबल प्रोजेक्ट भी है, उस पर पानी लाया जाना है, अब तक फाइलों में 16 साल नहीं नहीं फाइलों में अभी नहीं है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि चंबल प्रोजेक्ट अब चालू हो चुका है, उसकी सॉयल टेस्टिंग हो चुकी है, जितनी परमिशन थी अप्लाई हो चुकी है और आप जाके देखेंगे साइट पे तो वर्क चालू हो गया। देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के माध्यम से पानी जो हर साल जाना रहता था लेकिन इस बार पानी की मात्रा जो है ना के बराबर बची है। ऐसे में अगर समय रहते बारिश नहीं होती है तो लोगों को पानी की त्राहिमाम हो सकती है। प्रशासन की बात करें तो कोई भी व्यवस्था अब तक पानी की नहीं की गई है। ऐसे में अगर बारिश समय से नहीं होती है तो काफी जल संकट गहरा सकता है। जिस तरह से पानी की सप्लाई दी भी जा रही है, एक दिन छोड़कर दो दिन छोड़कर दी जा रही है, ऐसे में कई जगह पर पानी गंदा भी पहुंच रहा है जिससे लोग बीमार भी हो रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा अगर समय रहते बारिश नहीं होती है तो जल की व्यवस्था प्रशासन कैसे करता है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।